हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। दोस्तों, इस युग में हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा जल्दी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और आ गया है वो दिन जब हम जागृत रूप में, जागृत देवता के रूप में हनुमान जी की भक्ति करते हैं। सबसे सरल और जल्दी ही फल देने वाली भक्ति है, और तुरंत सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जी केवल बल बुद्धि के दाता नहीं, बल्कि बजरंग बली की आराधना करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, और हनुमान जी का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ। अभी अभी 5 दिन पहले हमने रामनवमी मनाई, और सभी अनन्य भक्तों पर श्री हनुमान जी मदद करते हैं। सीता माता के वरदान से अमर हैं, और किसी न किसी रूप में हम सबके साथ सच्चे दिल से ध्याने पर हमेशा साथ बने रहते हैं। बल बुद्धि विद्या शौर्य और निर्भयता का प्रतीक है, और संकट काल में हनुमान जी का स्मरण किया जाता है, इसलिए संकट मोचन कहलाते हैं। आज हनुमान जयंती के दिन राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ साथ हनुमान जी की विशेष पूजा करना फलदायी होता है, और इस दिन अगर कोई साधक विशेष उपाय करे तो वो भी अपने जीवन से सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। हनुमान जी का सबसे बड़ा दिन है, और सच्चे मन से आप उपासना करें, और विशेष संयोग भी आया है 400 साल के बाद। हस्त नक्षत्र, बालव करण और व्यतिपात योग, आनंद योग, सिद्ध योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग है, और इन योगों के कारण इस बार हनुमान जयंती का महत्व और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन देखिए, विधि का विधान देखिए, हम सभी बड़ी बड़ी सिद्ध हनुमान मंदिरों में जाकर पूजन नहीं कर सकते, और इस बार इसीलिए सुबह सुबह हमें अपने घर पे ही उपाय करने हैं। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके हनुमान जी के सामने हो सके तो आटे का या आप मिट्टी का पंचमुखी दिया बना करके जला सकते हैं, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन है, तो आपको घर में कैसे जयंती मनानी है ये मैं आपको आगे बता देती हूँ। सबसे पहले समझ लें, पूर्णिमा तिथि है, तो पूर्णिमा 7 अप्रैल 12 बजे शुरू हो चुकी है, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति कल सुबह 8:04 पे होने वाली है, और सर्वार्थ सिद्धि योग आपका 5:46 से 6:07 तक रहने वाला है। इस दिन जो लोग भी व्रत रखना चाहते हैं, 8 अप्रैल को ही मना रहे हैं हम हनुमान जयंती, जो लोग भी व्रत रखेंगे पहले दिन यानी आज की रात से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, और इनको बिल्कुल भी इस तरह से पति पत्नी का संग आदि पसंद नहीं होता, इसलिए ज़मीन पर शयन करें, अलग शयन करें, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आप व्रत करने वाले हैं तो इसका कड़ाई से पालन करें। सुबह जल्दी उठें कल, और स्नान के बाद सूर्य देवता को एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ा सिंदूर ले लीजिए, और इससे आप हनुमान जी की अगर मूर्ति है तो उसको आप स्नान कराइए, उनका अभिषेक कीजिए। अगर नहीं है तो आप थोड़े से जल के छांटे अपने फ़ोटो पर दे करके फ़ोटो को ही अच्छे से पोंछ के सुंदर से उनका श्रृंगार करें। माता सीता, राम जी, हनुमान जी सभी का स्मरण करते हुए दिन भर आपको बिताना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे स्नान करके, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, और अपने पूजा स्थल को, अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लें, इसके बाद ही आपको पूजन करना चाहिए। पूजा में हनुमान जी को आप लाल पीले वस्त्र धारण करा सकते हैं, अगर मूर्ति आदि है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोली कलावा जो होता है उसको वस्त्र का भाव करके उनको अर्पित कीजिए। केसर युक्त चंदन, हनुमान जी को रोली नहीं चढ़ाई जाती है, चंदन लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, या आप उनको तिलक कीजिए। चावल नहीं चढ़ाए जाते हनुमान जी को, चावल ना चढ़ाएं, और यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण ज़रूर कराना चाहिए, उनके दाहिने कंधे के ऊपर से लेकर के आप बाईं ओर डालें, इस प्रकार जनेऊ पहनाएं। मूर्ति है तो नहीं है, फोटो की पूजा करें तो वहां अर्पित कर दीजिए। इस दिन सिंदूर का चोला चढ़ाना विशेष रूप से हनुमान जी को बहुत बहुत फ़ायदेजनक माना जाता है। कैसे चढ़ाते हैं चोला, अक्सर सभी लोग कन्फ्यूज होते हैं, सोचते हैं वस्त्र होता है चोला, नहीं, माता का चोला जैसा होता है वो नहीं होता है। हनुमान जी को सिंदूर जो होता है ऑरेंज वाला, उसमें 2-4 बूंद चमेली का तेल डाल करके उसको उनके शरीर पे लेप किया जाता है।
अगर आपके पास फोटो है तो उस पर तिलक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उनको चोला चढ़ाएं और जब चढ़ाएंगे तब ओम राम दूताय नमः, क्या बोलेंगे, ओम राम दूताय नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। हनुमान जी को सिंदूर का जब चोला चढ़ाते हैं तो उनकी जो मूर्ति होती है उसको स्पर्श करने से जो सकारात्मक ऊर्जा आती है वो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, हनुमान जी के 12 नामों का भी स्मरण जरूर करना चाहिए। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा, इस प्रकार से इनके 12 नामों का जप करें। पूजा में आप धूप दीपक जलाएं। दीपक आप चाहे तो पंचमुखी जला सकते हैं या नॉर्मल दीपक जलाएं, और दीपक के लिए शुद्ध घी या चमेली के तेल का उपयोग करें। हनुमान जी का मुख जब पूजन करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, देखना चाहिए हनुमान जी की फोटो कि उनकी नज़र है वो दक्षिण दिशा की ओर देख रही हो, इस प्रकार से ध्यान रखें। उनको गेंदा हुआ, गुलाब हुआ, कनेर हुआ, सूरजमुखी हुआ, ये आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और गुलाब उनके लिए बहुत बहुत फेवरेट होता है, इसलिए हनुमान जी को अगर आप गुलाब की माला चढ़ाएंगे तो ये बहुत लकी होगा। स्त्रीवाचक जो फूल होते हैं जैसे जूही, चमेली, चंपा, बेला, ये फूल हनुमान जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं। जब प्रसाद उनको ऑफर करेंगे तो मालपुआ बनाइए, लड्डू बनाइए, बेसन के लड्डू बनाइए, हलवा बनाइए, चूरमा, दाल चूरमा, बाटी, ये बना के भोग लगाइए, मीठे रोट बनाइए, या फिर आप केला, अमरूद, ये सब चीज़ें, गुड़, चने, इनका भी भोग लगा सकते हैं। अपनी श्रद्धा शक्ति जो आपको मिले, लॉकडाउन का समय है तो आपको जो अलाउ करे पॉकेट वही काम कीजिए। देसी रोट जो बनाना चाहते हैं उनको मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, वैसे आप बना सकते हैं देसी रोट। और हनुमान जयंती पर इस प्रकार से आप भोग लगाते हैं तो आपको सभी दुश्मनों से किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किया धरा है, किसी ने कुछ किया है या कुछ भी है, ये चीज़ें आपके जीवन से दूर हो जाती है। हनुमान जी को पान का बीड़ा और गुलाब का फूल विशेष प्रिय होता है, तो पान का बीड़ा उनको चढ़ाएं ज़रूर। अगर मिल जाए आपको कहीं से घर पे पान की पत्तियां हो तो उसमें जैसे खोपरा का बूरा हुआ, जो नारियल का बुरादा होता है ना, वो, गुलकंद, बादाम कतरी, ये डाल करके आप हनुमान जी को पेश कर सकते हैं। बाद में आप भोग लगा करके सभी लोग वितरण करके प्रसाद के तौर पर लेना चाहिए। ये तो ये पूजा, उनका हमने श्रृंगार किया, उनको भोग लगाया, इसके बाद उनका गुणगान करना ना भूलें। ऊर्जा, उत्साह, बल प्राप्त करने के लिए, तेज प्राप्त करने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा हुआ, सुंदरकांड हुआ, रामचरितमानस, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र, इनका पाठ जरूर करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में बजरंग बाण से थोड़ा हनुमान जी को फोर्स किया जाता है काम करने, वो नाराज़ हो सकते हैं, इसलिए बजरंग बाण का पाठ आप बहुत एक्सट्रीम केस हो तो ही आप करें। हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि सरल सुरीली होती है और असीम आनंद मिलता ही है। तो परिवार सहित बैठ जाइए, लॉकडाउन का समय है, सभी लोग शाम के समय ताली बजा बजा के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और सभी चौपाइयाँ मंत्र ही है इसकी, ऐसा नहीं कि मंत्र नहीं होते इसमें, ये चौपाइयाँ जो है यही इनका मंत्र है, और अगर आप इनको बोलेंगे तो ये ऐसे ही सिद्ध हो जाती है और हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। यदि आप घर में बहुत मानसिक अशांति, कलेश चल रहा है, हर काम में बहुत ज़्यादा भार हो रहा है, अटकाव आ रहे हैं, मन अस्थिर आपका बना हुआ है, घर परिवार में समस्याएं सता रही है, तो भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन कीजिए। आप देखेंगे कोई संदेह नहीं है इसमें कि आपको चमत्कारिक फलों की प्राप्ति होती है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं अपने आप बैठे बिठाए हल हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। बस शुद्ध मन से हनुमान चालीसा का इस दिन पाठ कीजिए। इसके बाद हनुमान जी की आरती उतारिए, कच्ची धानी के तेल के दीपक में लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती उतारिए। नॉर्मली क्या करते हैं, घी में बाती लगाई, अभी आप जब आरती करेंगे तो थोड़े से कलावे की बाती बना लीजिए और सरसों का तेल, जो कच्ची घानी का तेल होता है, वो ले लीजिए और उसमें दो लौंग डाल लीजिए। इसके बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कैसा भी संकट है आपके जीवन से दूर होने लगेगा। यहाँ तक कि कोई लोग कर्ज में डूबे हैं या कहीं पैसा फंसा है, वो भी आपका कर्ज आदि दूर हो जाता है और पैसा कहीं डूबा हो तो मिलने लगता है।
अगर आपके घर में शमी का वृक्ष आपने रखा हुआ है तो इस दिन आपको वहाँ पे भी दो घी के दिए ज़रूर जलाने चाहिए, एक नहीं दो जलाने हैं। और अगर नारियल आपको मिल जाए तो 8 बार नारियल पूरे परिवार के ऊपर से वार करके हनुमान जी के चरणों में इसके बाद रख दें, और बाद में आप इसे नदी में विसर्जन बहते जल में कर सकते हैं या दान दे देना चाहिए। आज के दिन आपको पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, वहाँ बैठ करके आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो। ध्यान रखें, लॉकडाउन का मान्यता रखते हुए आपको शांतिपूर्ण तरीके से, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल्स रखे हैं उसको मानते हुए आपको कहीं भी जाना चाहिए, और कोई दूसरे से मिलते वक्त सेफ डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के जाएं, हाथों में सैनिटाइज़र लेके जाएं। इस प्रकार से आप जा करके पीपल की पूजन कर सकते हैं, और नहीं तो पीपल के 11 पत्ते आप ले लीजिए और उस पर श्री राम का नाम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाया जा सकता है। अगर कोई आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है, भयंकर से भयंकर रोग हो, किसी ने प्रयोग किया हो गलत, तो भी आपको ये 8 अप्रैल के दिन ध्यान रखना है, बुधवार का दिन है, रात में 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में एक छोटा सा उपाय करना है। 2 नींबू ले लेने आपको, रस वाले पीले रंग वाले नींबू, और 21 बार आपको उच्चारण करते हुए, एक मंत्र बताऊंगी आगे वो ध्यान से सुने, वो दोनों नींबू को बीच में से काट लेना है, और नींबू को बीच में से थोड़ा सा नमक और राई के दाने उसमें भर लेने हैं, और दोनों हिस्सों को लाल धागे से बंद कर देना है। लाल धागा कलावा जो होता है उससे लपेट दीजिए। अब जो भी मन इंसान पीड़ित है, कोई घर पे लगता है कोई रोग से पीड़ित है, या किसी ने बड़े से बड़ा रोग हो, या किसी ने कुछ किया धरा हो, तो उस इंसान के ऊपर से ये दोनों नींबू को 7 बार उतार लेना है। ध्यान रखें, उतारने के लिए उल्टे दिशा में उतारें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा जिस दिशा में चलता है उसकी उल्टी दिशा में आपको घुमाना है 7 बार, और फिर चौराहे के बीच में, आपको चौराहे पे जाना है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको चारों टुकड़ों को एक एक करके चारों दिशाओं में फेंक देना है। इसके बाद आपको घर वापस लौट करके आ जाना है, बिना किसी को बोले हुए, बिना किसी से बतलाए हुए बाहर वाले को, आपको चुपचाप ये काम करना है। ये कार्य को करते वक्त किसी से बातचीत ना करें, और घर में जब घुसेंगे तो हाथ मुंह धो करके आपको घर पे प्रवेश करना चाहिए। जिस समय नींबू काटेंगे उस समय मंत्र का उच्चारण करेंगे, वही मंत्र आपको फिर से बोलना है फेंकते समय 21 बार। दोस्तों मंत्र कौन सा है? ओम हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुं फट। क्या बोलेंगे? ओम हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुं फट। इस मंत्र को आपको बोलना है। ध्यान रखें, कोई रोके टोके नहीं, पूरी तरह से एकांत और सावधानी पूर्वक करें, और नींबू काटते और चौराहे पर फेंकते समय दोनों समय इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। साथ ही साथ जो भी मनुष्य के ऊपर किया गया है, या आपको लगता है अगर आपके घर पे कुछ किया गया है तो आप अपने घर में भी घुमा सकते हैं इस नींबू को 7 बार, और फिर इसको आपको फेंक देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती है। अगर ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो मंगल ग्रह के दोष से पीड़ित अगर हैं तो इसके लिए भी आप 9 पिपल की पत्तियां लेकर चंदन की लकड़ी से उस पर श्री राम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, और बाद में हनुमान जी की 108 फेरी जब मंदिर आदि खुलेंगे तो आप लगा लें, आपके बिगड़े सभी काम चुटकियों में बनेंगे। जो लोग भी शनि समस्या से पीड़ित हैं, शनि देव की साड़ी साथी चल रही है, ढैया चल रही है, या किसी भी तरह से कुदृष्टि है, उनको हनुमान जी को सिंदूर एक चुटकी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तिल का तेल का दीपक जला लें और हनुमान जी के 108 नामों का स्मरण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों हनुमान जी की जन्म कथा भी बहुत खूबसूरत है। शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, और कहा जाता है कि अमरत्व की प्राप्ति के लिए जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से जब अमृत निकला था वो असुरों ने छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और देवता और असुर क्या भगवान शिव जी कामातुर हो गए थे, और इस समय भगवान शिव ने जो वीर्य त्याग किया था उसे ही पवन देव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया था, जिसके फलस्वरूप माता अंजना के गर्भ से केसरी नंदन मारुति संकट मोचन राम भक्त श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए थे। दोस्तों हनुमान जयंती में हनुमान जी की पूजा बहुत शुद्धता से करनी चाहिए, सभी चीज़ें साफ सुथरा रखें, जूठा मूठा ना करें कुछ भी, अपना तन तो स्वस्थ रखेंगे ही, स्वच्छ रखेंगे ही, मन को भी स्वच्छ रखें चुगली बुराई क्रोध ये सब चीज़ों से, जो भी भावनात्मक चीज़ें हैं रोना धोना इस तरह से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
भोजन का ध्यान तो रखना ही है। दोपहर तक नमक बिल्कुल ना खाएं और दोपहर के बाद भी एक वक्त अगर हो सके तो नमक का भोजन कीजिए। और नॉन वेज हुआ, मांस मदिरा हुआ, ये तो बिल्कुल आपको हनुमान जी की पूजा में परहेज रखना ही है। मन में किसी प्रकार की कोई गलत भावना ना रखें किसी लड़के के प्रति, किसी लेडीज़ के प्रति, और साथ ही साथ आप पति पत्नी भी आपस में बिल्कुल संपर्क ना करें। सर्वशक्तिमान है हनुमान जी, श्री राम भक्त हनुमान जी अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और बहुत ही खूबसूरत मौका आया हनुमान जयंती का, तो सभी लोग अपने परिवार के साथ मिलकर कम से कम एक हनुमान चालीसा अपने घर पर बैठकर ज़रूर करें। सभी लोग करें और सच्चे दिल से करें, शुद्ध मन से करें, और मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर लिख करके बताएं हनुमान जयंती के बाद कि आपने कितने हनुमान चालीसा किया है। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। विश्व कल्याण की भावना से इस बार हनुमान चालीसा कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि जो संकट आया है विश्व पर इसे दूर कर दे, साक्षात प्रकट होकर के इसका अंत करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सभी लोग सेफ डिस्टेंसिंग रखें, अपना इस वायरस से बच के रहें। बहुत ही खतरनाक है ये, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है, इसे फेस करना है, सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और ये समय को यूटिलाइज करना है पॉजिटिव चीज़ों में। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके पूरा समय बर्बाद कर दिया। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करें और सबसे निवेदन करें कि कम से कम एक हनुमान चालीसा परिवार के साथ बैठकर शाम के वक्त ज़रूर करें। कुछ ना मन हो, बोलने का भी मन नहीं हो तो यूट्यूब पे सुनिए, ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, हनुमान जी आप सभी की रक्षा करें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय बजरंगबली की।